गुड मॉर्निंग दोस्तों, और गुड मॉर्निंग हो रही है मेरी कॉफ़ी के साथ, और मेरा कॉफ़ी मग, मेरा फेवरेट कॉफ़ी मग, तो इसके साथ हो रही गुड मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल दिया की दुनिया में। तो आज का जो मेरा ब्लॉग होने वाला है, कुछ इस प्रकार से होने वाला है कि आजकल ना मैं ब्लॉग की एंडिंग नहीं कर पा रही हूँ, कल भी नहीं कर पाई थी, तो ना पता नहीं क्योंकि ना टाइम ही नहीं मिलता। चीकू ऐसा कर देता है कि फ़ोन देता नहीं है बिल्कुल भी नहीं, बहुत परेशानी होती है। चलो कोई बात नहीं, उसको छोड़ के आज के ब्लॉग पे ध्यान देते हैं। तो फिलहाल हम मैं पी रही कॉफ़ी और यहाँ पे अंडे बॉयल कर दी चीकू के लिए। चीकू सो रखा है अभी, सब कुछ हो गया है, नाश्ता वास्ता बन चुका है। नाश्ते वास्ते में रोटी वही, सब्जी गोभी वोभी की सब्जी है बस, और क्या प्यार रोज़ का वही है। तो आपको क्या ही बताऊँ क्या कर क्या बनाया। चूँकि फिलहाल सोया है, जब उठेगा तो उसको स्कूल भेजूंगी। आज मेरे को जाना है डॉक्टर के पास ज़रूरी, क्योंकि क्या है ना, पिछली बार डॉक्टर के पास गए थे, डॉक्टर ने उसमें डेट नहीं लिखी है और कि हमको कब जाना है वहाँ, और ना मैंने पर्सनली पूछा उनसे कि कब आना है, तो इसमें कन्फ्यूजन है। और ऊपर से कि उन्होंने ऊपर से डेट लिख के तो दी है 24 जनवरी करके, तो हम 24 जनवरी को गए नहीं, बट मेरे को लग रहा है कि उसी दिन हमको जाना होगा, तो हम गए नहीं। बट आज मैं जा रही हूँ, देखती हूँ कि क्या बोलती है डॉक्टर, क्या चेकअप करती है। बस वही है, जाते डॉक्टर के पास और बाद में जाऊंगी, मतलब 9-10 बजे चीकू को स्कूल छोड़ेंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे उधर। और महेंद्र अपना कुछ काम कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, और मैं पी रही हूँ कॉफ़ी, और कॉफ़ी पीने के बाद मैं आप लोगों से बात करती हूँ। कॉफ़ी थोड़ा सा होती है इसमें, देख सकते हो आप, एकदम चुटकी भर ओवर नहीं दूध ही होता है, तो फिर मैं पीती हूँ, फिर मैं आप लोगों से बात करती हूँ। ओके ओके, कुछ चीकू दिखाती हूँ। हेलो पॉटी मैन, सुबह उठते उठते पॉटी मैन। ये क्या अच्छा लड़का है यार, ये क्या अच्छा लड़का, इसको ठंडा भी हो रहा है और ठंडा नहीं भी हो रहा है। गुड मॉर्निंग बोलो। पैसे देखो भैया, सुबह सुबह उठ के पैसे मांग रहा है, गंदी बात। जय करो मम्मा को। हाँ इतना बड़ा हो जाना, हाँ कितना बड़ा हो जाएगा। दोस्तों भाव से बात करती है, मेरी बेइज्जती कर रहा है, मैं पहले उसको प्यार कर लेती हूँ। चीकू जा रहा है अब स्कूल। कुकू आपने क्या बोल रहे हो बेटा, मक्खी कौन मार के ले जाते हैं स्कूल को यार, शर्म आनी चाहिए। ओ बेटा चीकू आपको काटा ना, हाँ उजे ये तो भाग गया, भाग गया ये तो, हो ही नहीं रहा। पापा से बोल, पापा तेरी मैगी खा रहे, जल्दी बैग लेके अपना, बैग लेके चीकू इधर आ। ये स्कूल जाने के लिए हमेशा इसका नाटक रहता है। चीकू ये देख इधर आ, ये देख क्या बोल रहे, इधर आ। वहाँ पे खड़ा है देखो, जरा दिमाग खराब करके जल्दी आओ ना, हाथ गंदे हो रहे यार। पे हम पहुंच गए थे डॉक्टर के पास, डॉक्टर के अंदर डॉक्टर बैठी हुई थी, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी है यहाँ पे। हमारा 4th नंबर था लेकिन अभी 1st नंबर भी बाहर नहीं आया था, बहुत ही टाइम लग रहा था, इसलिए हमको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा था। महेंद्र को देख लो यहाँ पे, उनको भी सोच में डूबे हुए हैं, और मैं भी हम बहुत परेशान हो गए वेट कर करके। फिर हम डॉक्टर के पास आ गए थे, फिर हम गए थे रिलायंस फ्रेश कुछ कुछ सामान लेने के लिए, सामान नहीं था
जैसे कि कुछ कुछ फ्रूट्स लाने थे और कुछ कुछ घर का सामान वगैरह लाना था, तो ये सब हम लेने के लिए गए थे रिलायंस फ्रेश। फिर मैंने सोचा कि फटाफट यहाँ पे शॉपिंग कर लेते हैं, फिर यहीं से हम निकल लेंगे घर को, तो कर रहे थे फटाफट से शॉपिंग। माही प्लीज, हम आए हैं चीकू को लेने के लिए। तो अब मैं यहाँ पे कहीं पे छिप जाऊंगी। हाँ, मेरे को देख लिया। गोलू, मेरा गोलू कहाँ जा रहा? मम्मा के हाथ में चीजें रख। ये पीछे बैठेगा, ये पीछे बैठेगा। थैंक यू बोल। ये भी पकड़ लेना। लाओ तो दोस्तों मैं आई हूँ फटाफट घर, बहुत लेट हो गया था वहाँ पे। क्या हुआ भाई? कूड़ा ले आते बाहर से। मैं पीऊँ कूड़ा ले आओ। आगे कूड़ा ना। हाँ जाओ बांधे ले आओ। तो मैं फटाफट आके रोटियाँ बना रही हूँ क्योंकि बहुत भूख लग रही है भयंकर वाली। मैंने कहा चावल कुछ नहीं बनाऊंगी, आटा गूंथ के रखा हुआ था। मम्मी हम सब रोटी खा रहे हैं क्योंकि मम्मी वैसे भी रोटी खाती है, तो सोचो सबके लिए रोटी बना दो। फटाफट बनाती हूँ रोटी। और इतना लेट हो गया था वहाँ पे, हद से ज़्यादा लेट हो गया था। और डॉक्टर ने बोला कि आपका थायराइड जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और शुगर जो है वो भी बढ़ रहा है। मैं समझ नहीं आ रहा किस चीज़ से बढ़ रहा है। मैं कुछ मीठा खाती हूँ नहीं, तनिक क्या है समझ नहीं आ रहा। और थायराइड की वजह से और शुगर की वजह से मुझे और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो बस ये सब बताया डॉक्टर ने और दिमाग ख़राब करने वाली चीज़ें बताई। और दवाइयों में थोड़ा चेंज किया है, तो देखते हैं क्या होता है। थायराइड की तो वही है जो सुबह मॉर्निंग में एक लेनी है, शुगर की थोड़ा बहुत चेंज करके दी है। अब मतलब शुगर की भी मेडिसिन लेती थी पिछली बारी से, मैं मेडिसिन लेना शुरू किया है, वरना शुगर के मेडिसिन मैंने अभी तक लिए नहीं थे, तो अब लेना शुरू करा है। और चलो फटाफट करती हूँ काम, खाना खाती हूँ, फिर मैं आप लोग से बात करती हूँ। बड़ी भयंकर भूख लग रही है, सुबह भी ऐसा कुछ खा के नहीं गई थी कि भूख ना लगे, अभी भूख लग रही है। और मैं आते ही फटाफट पहले क्या किया आपको पता ही है, हमेशा की तरह गाजर छीला, फटाफट गाजर चौकी गाजर खा रही हूँ एक। मैंने सोचा कुछ तो खाऊं तब तक गाजर चले जाएगा, फिर पेट में थोड़ा अच्छा लगेगा, तो इसीलिए बनाती हूँ खाना, फिर आपसे बात करती हूँ। तो यहाँ फटाफट रोटियाँ बन गई हैं, अब मैं बना रही हूँ प्याज की चटनी। प्याज की चटनी में सिर्फ अपने लिए बना रही हूँ, प्याज और टमाटर की चटनी, क्योंकि आप महेंद्र और मम्मी खाने वाले हैं सोयाबीन और आलू की सब्ज़ी, मेरे को बिल्कुल भी नहीं पचती जो कि मैंने खाई हो। इसलिए मैं थोड़ा सा फटाफट प्याज काटा है और बना दूँ अपने लिए ये चटनी। और बर्तन उनको खाए धो दिए हैं, जिसे जिसे फटाफट करते हैं, बस कढ़ाई बची है ये, इसको भी तुरंत सब्जी बनते ही निकाल दूँगी इस कटोरी में और तुरंत कढ़ाई भी धो के फटाफट खाना खा लेंगे, क्योंकि बहुत भूख लग रही है। महेंद्र भी बोल रहे हैं भूख लग रही है और मेरी बन रही है चटनी एकदम थोड़ा देखे लिए। चीकू यहाँ पे खा रहा है फ्रूट, ये देखिए आप, ये टाइम है चीकू का फ्रूट खाने का, टाइम चल रहा है अभी। स्क्रीन देखते देखते फ्रूट भी खाया जा रहा है। अब मैं बना रही हूँ यहाँ पे रात के लिए सब्जी, गोभी मटर की, और क्या बनाओ रोज की एक ही सब्जी हो गई है। तो दोस्तों यहाँ पे टाइम हो चुका है 7 बजे का और मैंने सब्जी बना दी है। आज सब्जी बन रही है मटर और गोभी की, जो कि मैंने बना चुकी हूँ। रोटियाँ मैं बाद में बनाती हूँ 8:30 बजे तक। चीकू यहाँ पे फ़ोन देख रहा है और चीकू का ना पेट फिर से ख़राब हो गया है बहुत ज़्यादा, मुझे समझ नहीं आ रहा, शायद ठंडा लग गया उसको, इसलिए मैं उसके लिए बना रही हूँ हलवा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रागी के आटे का हलवा है, मतलब मड्डू के आटे का हलवा बना रही हूँ। उसके लिए थोड़ा सा गुड़ मिला के पहले अच्छे से इसको भून लेती हूँ, थोड़ा घी में भून रखा है मैंने, उसके बाद गुड़ मिला के इसको बनाऊँगी, क्योंकि ये होगा गरम गरम खिलाऊँगी इसको, और ताकि इसको जो ठंड लगी है ना, उनको लग रहा है ठंड की वजह से ही उसको ना ये हो रखा है और पेचिस लग रहे हैं उसको,
बहुत ज़्यादा लग रहा है, इसलिए मैंने अभी उसको हगीज बना रखा है, वो बता भी नहीं पा रहा, जब तक नीचे उतर रहा है तब तक उसको हो जा रही है, इसीलिए मैं सोच रही हूँ फटाफट ये कर लूँ। और अब बनाती हूँ ये, और मेरा मीठा खाने का बहुत मन कर रहा है अभी अभी फ़िलहाल, मतलब मेरा कोई मूड नहीं है, कभी मेरा मन करता है कि बहुत चटपटा खाऊं, कभी मेरा मन करता है कि बहुत खट्टा खाऊं, अब मेरा मन करता है कि कभी कभी कि मीठा खाऊं, समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है, बस यही है। और बस भून रही हूँ मैं इस आटे को, और फिर बनाती हूँ फटाफट इसका हलवा, फिर मैं आप लोगों से बात करती हूँ। तो दोस्तों हलवा बन चुका है, आपको कम दिख रहा होगा क्योंकि मम्मी पापा को दे दिया मैंने हलवा गरम गरम, और अब ये मेरा महेंद्र का और चीकू का है, इसमें से ज़्यादा चीकू और महेंद्र खाएंगे, मैं थोड़ा बहुत खाऊंगी क्योंकि मीठा बहुत ही खाने का मन कर रहा है, आज ही रिपोर्ट आई है जबकि डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली मना करा है, लेकिन फिर भी मेरा मीठा खाने का मन हो रहा है, मैं क्या करूँ कहाँ जाऊँ मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इतना तो तब भी खाऊँगी मैं, चाहे कुछ भी हो जाए थोड़ा तो खाऊँगी। यहाँ पे मेरी सब्जी हो गई है रेडी, आप देख सकते हो कितना सही लग रहा है, वाह। तो दोस्तों यहाँ पे हो चुका है 11:30, और ना चीकू भी अभी तक सोया नहीं है, देख सकते हो आप, चीकू भी वहाँ फ़ोन दे रहे हैं पापा के साथ, बहुत ही गंदा आदमी, अब मैं इसको फटाफट सुलाऊंगी, तो इस वाले ब्लॉग में यहीं पे एंड करती हूँ। आज मैंने फेस पे लगाया था अपने हनी और कॉफ़ी और कच्चा दूध, तो फेस पे अभी अभी फेस वॉश करके आई हूँ, और सर पे मैंने एकदम मालिश की है तेल की, तो बहुत अच्छा लग रहा है अभी सरसों के तेल की। तो इस वाले ब्लॉग में यही पेंड करती हूँ, आई होप कि आपको मेरा जो ये ब्लॉग पसंद आया होगा, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन जरूर दबाना ताकि मेरे आने वाली ब्लॉग वीडियो आप तक पहुँच सके। तब तक टाटा बाय, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, बाय जी।